हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैंने ओनली 3 स्टेप फॉलो किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आइए है समर स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ले रखी हैं, और ये तीनों रूप मंत्रा के प्रोडक्ट हैं, और ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। हर्बल ब्रांड है ये रूप मंत्रा, और इसमें ना तो आपको पैराबिन मिलेगा, ना तो आपको एल्कोहल मिलेगा। सो हमारी स्किन के लिए तो ये काफ़ी अच्छा हो गया ना, अगर आपको पैराबिन नहीं है, इसमें एल्कोहल नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करते हैं रूप मंत्रा का नीम फेस वॉश। अगर मतलब ये नीम का फेस वॉश है, गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। गर्मियों में अक्सर आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपको एक्ने फ्री स्किन चाहिए तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई दें। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है मेरे समर स्किन केयर रूटीन का, वो होता है ये नीम का फेस वॉश। सो चलिए मैं दिखा देती हूँ एप्लीकेशन इसका, मैं कैसे इसको अप्लाई करती हूँ और मैं कैसे कैसे रूटीन को फॉलो करती हूँ, ये भी मैं आपको साथ में दिखाते चलती हूँ। मुल्तानी मिट्टी डिटेन फेस पैक का, इसे मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप धूप में जा रहे हो तो आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो ये भी हर्बल है, 100% पैराबीन फ्री है, 100% वेजिटेरियन है, एल्कोहल फ्री है। सो आपको इसे ज़रूर ट्राई देना चाहिए। अगर एल्कोहल फ्री है, पैराबीन फ्री है, तो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आपको ज़रूर ट्राई देना चाहिए। इसका प्राइस 87 रुपीज़, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, दिविशा कंपनी की तरफ से है, और रूप मंत्रा इसी डॉक्टर जी नोजाज की रेसिपी है। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका सेपरेट रिव्यू शेयर कर दूंगी आपके साथ। सो ये डेड स्किन को रिमूव करता है, इस पर लिखा हुआ है स्किन को न्यूरिश करता है। मुल्तानी मिट्टी यार काफी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, आप सब जानते हो। सो आपको ये ट्राई देना चाहिए, और मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, मुझे काफी पसंद आया है, पर्सनली मुझे काफी पसंद आया है। और समर के अगर मुल्तानी मिट्टी D10 फेस पैक है, तो यार समर के लिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि हम धूप में जाते हैं और टैनिंग की प्रॉब्लम तो हो जाती है। सो ये काफी अच्छा है। चलिए अब आपको मैं इसका एप्लीकेशन दिखा देती हूँ, आपको कैसे अप्लाई। सनस्क्रीन लोशन का, ये रूप मंत्रा का सनस्क्रीन लोशन है, काफ़ी अच्छा स्क्रीन लोशन है, क्योंकि इसमें SPF 50 है। अगर यार आप धूप में जाते हो तो आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए, इससे आपको D10 से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसमें SPF 50 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सनस्क्रीन लोशन में या सनस्क्रीन में अगर SPF 20, 30, 40, 50 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर 20 से आपको कम मिलता है तो आप प्लीज़ मत लेना। और ये इसमें ना पैराबीन है, ना एल्कोहल है, ये हर्बल ब्रांड है। सो ये काफ़ी अच्छा है, आपको ज़रूर ट्राई देना चाहिए। अगर आपको इसके प्रोडक्ट चाहिए तो आप अमेज़न पे चेक कर सकते हो, अमेज़न पे आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसका प्राइस है 136 रुपीज़, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, ये दिवसा ब्रांड की तरफ से है, और 100% वेजिटेरियन है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेजिटेरियन का साइन भी बना हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप धूप में जा रहे हो तो आप इसे ज़रूर लगा के जाओ। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता देना, इस सनस्क्रीन का या फिर बायोटिक के सनस्क्रीन का, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये मेरा लास्ट स्टेप होता है सनस्क्रीन का। सो ये था मेरा समर स्किन केयर रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप भी फॉलो कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो टिल देन।